बंद करो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। और तुम मुझे क्या बताने वाली हो? चलो तो मेरे साथ रूम में एक बार। फिर वी जंगकुक को जिमिन के रूम में लेकर जाती है। हाँ बेबी, तुम मुझे अपने दी के रूम में क्यों लेकर आई हो? अपने रूम में लेकर चलो ना, वहाँ हम साथ में रोमांस करेंगे। जो होगा यही होगा दी के रूम में। बेबी ये सब ठीक नहीं है, तुम्हारी दी है सामने सो रही है, अगर वो उठ गई तो? चिंता मत करो, वो नहीं उठेंगी। सच में तब तो मुझे बहुत सारी कुर्सी चाहिए, दो ना। तुमने मेरे डैड को लात कैसे मारी? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेबी ये सब क्या कर रही है, छोड़ो मुझे। छोड़ो जंकुक मेरा। छोड़ूंगा, बताओ क्या कर लगी? मैं तुम्हें बहुत सारे मुक्के मारूंगी जंकुक, बहुत हो गया, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। ये लो। ये क्या कर डाला? जंकुक वहीं बेड पे गिर जाता है। कहाँ मार दिया, कहीं और मार दिया होता तो इतना दर्द नहीं होता। हाँ मेरी दी के बगल, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी दी के बगल लेटने की? तो क्या करो, इतनी देर दर्द हो रहा है। जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा बाबा सॉरी कहा तो? क्या तुम ठीक हो? मारने के बाद पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ? अच्छा बाबा आई एम सॉरी, तुमने मेरे डैड को लात मारा इसलिए मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी। अच्छा आई एम सॉरी, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मार सकती हूँ। हाँ तो मैंने कौन सा गलत काम किया, मैं भी तो तुम्हारे डैड से प्यार ही तो कर रहा था। तुम उन्हें लात मार के प्यार कर रहे थे? ओ माय क्यूट बनी, तुम भी ना। अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ, ओके? खैर कुछ मजा नहीं आया किसमें। अच्छा और वो भला क्यों? क्योंकि वो किस मेरे टाइप की नहीं थी। थैंक यू सो मच मेरी केयर करने के लिए। तुम सोती रहो, मैं जाके फ्रेश होके आती हूँ। और डैड डैड तो बहुत परेशान होंगे। जिमिन फ्रेश होने जा रही होती है तभी वहाँ जय हो पा जाता है। जिमिन बेटा तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया था तुम्हें बोलो? डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? बताओ जिमिन क्या हुआ है, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? बोलो जिमिन। डैड कुछ नहीं हुआ है, आप ऐसे ही चिंता कर रहे हो। मैं ठीक हूँ डैड, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डैड थोड़ा सा हो रहा था, मुझे नहीं पता था इतना बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट कर लेना ओके, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ताई अभी भी सो रही है, उठी नहीं क्या ये? डैड सोने दीजिए, उसने मेरी बहुत केयर की है। ठीक है ताई को सोने दो और तुम ब्रेकफास्ट कर लेना और मैं ऑफिस चलता हूँ ओके। टेक केयर, ध्यान रखना, और ताई उठेगी तो उसे भी ब्रेकफास्ट दे देना। ओके डैड आप भी ध्यान से जाना। ओके बाय बेटा, टेक केयर। और जेहोक वहाँ से चला जाता है। मैं भी जल्दी से जाके फ्रेश हो जाती हूँ। फिर जिमिन भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है।
सर मेरी स्वीटहार्ट नहीं दिख रही, क्या वो आज नहीं आई कॉलेज? हाँ नहीं आई, आना होता तो मेरे साथ ही आती, पक्का सो रही होगी, लेट नाइट तक क्योंकि पार्टी थी, शायद थक गई होगी इसलिए वो आज कॉलेज नहीं आई। लगता है मैंने कल रात कुछ ज्यादा कर दिया क्या? क्या हुआ, अब क्या सोच रहे हो, क्लास में नहीं जाना? मैं ये सोच रहा था कि आज मैं उसके बिना पूरा दिन कैसे निकालूंगा, इतनी याद आ रही है तो जाओ तुम भी चले जाओ उसके पास, फिर जंकू और लिसा वहाँ से अपने अपनी क्लास में चले जाते हैं। ओ ताई, तुमने आज छुट्टी कर ली, कोई बात नहीं, तब तक बचोगी मुझसे, जब तक मेरे पास ये वीडियो है तुम्हारी तब तक तुम मुझे ना कुछ कर पाओगी और ना ही मुझसे दूर जा पाओगी। आई एम रेडी। हाँ ये ताई अभी तक सो रही है? ताई उठो, बहुत देर हो गई है। मुझे सोने दो ना। क्या हुआ आपको, क्यों उठाने में लगे हो मुझे? बस थोड़ी देर और प्लीज। ताई मैंने कहा उठो, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती है, और जाके फ्रेश हो जाओ। आप बिना खुद तो सोते नहीं, दूसरों को सोने नहीं देती, पता नहीं क्या है। ताई उठो, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती है, मेरा पूरा रूम तुमने गंदा कर रखा है, मुझे साफ भी करना है ये सब। ताई उठ जाओ, कितना सोती हो, जल्दी से जाओ और फ्रेश हो जाओ। सुबह सुबह पता नहीं आपने क्या खा लिया है। उठ रही हूँ। फिर ताई उठ के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। मैम दोबारा जरूर आना। तभी वहां जेन आती है। जिन आप यहाँ? हाँ आपके लिए लंच लेकर आई थी। ओह थैंक यू जिन। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। और उनका सारा ध्यान कस्टमर्स पे, मुझ पे तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्या वो भूल गए हैं कि मैं भी यहाँ पर हूँ? जिन क्या हुआ, ऐसा क्या सोच रहे हो? आपका सारा ध्यान कस्टमर्स पे है, मुझ पे तो है ही नहीं। इस समय मैं अपने कैफे में हूँ तो कस्टमर पे तो ध्यान देना पड़ेगा। आप कस्टमर पे ध्यान रखो पर मुझ पे भी थोड़ा ध्यान दो। तो आप चाहते हो मैं आपका अटेंशन दूँ? फिर नामजिन जिन के पीछे चला जाता है। आई लव, बस करो आरएम। पर तुम ही ने तो कहा तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए। एंड यू, आई लव यू जिन। ये कौन सा तरीका है आई लव यू बोलने का? ये सीक्रेट तरीका है आई लव यू बोलने का। अच्छा पर मुझे पसंद आया। एक्सक्यूज मी, वन कॉफी प्लीज। श्योर मैम। फिर आरएम कस्टमर्स को कॉफी सर्व करने चला जाता है। आरएम भी ना कम रोमांटिक नहीं है। अदर साइड ताई और जिमिन लंच कर रहे होते हैं। दी आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये ब्रेकफास्ट नहीं है, लंच है। ओह आई नो वैसे दी आपको क्या हो गया था कल, आपकी अचानक से तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? ताई वो, हेलो जिमिन कैसी हो? ताई तुम? जिमिन मैं तुमसे मिलने आया था। ओह हेलो काई, आओ ना तुम भी हमारे साथ लंच करो। आई एम सॉरी दी पर सारा लंच खत्म हो गया, मुझे बहुत भूख लग रही थी। इट्स ओके जिमिन, खाने तो कुछ भुक्कड़ों को ज्यादा भूख लगी है, हम बाहर चल के लंच करेंगे ओके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भुक्कड़ कहने की? क्या मैं तुम्हें शक्ल से भुक्कड़ लगती हूँ? ऑफ कोर्स लगती हो, तभी तो सारा खाना खुद ही खा गई। वैसे जिमिन क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी आज? प्लीज मना मत करना। पर मैं तो कर रही हूँ लंच। चलो ना हम दोनों किसी रेस्टोरेंट में चल के लंच करते हैं साथ में। काई पर मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, प्लीज जिमिन चलो ना। मेरी दी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, क्या कोई जबरदस्ती है? तुम अपना मुंह बंद करो, तुमसे नहीं पूछा मैंने, जिमिन से पूछा है। प्लीज तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं आती हूँ रेडी होके। ओके काई फिर चलते हैं हम। फिर जिमिन रेडी होने के लिए चली जाती है। बिना पूछ वाला बंदर कितनी जल्दी खुश हो जाता है ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बंदर बोलने की, मैं तुम्हारा होने वाला जीजू हूँ, तभी तो तमीज से बात कर लिया करो मुझसे। वो एक्चुअली अब मैंने तुम्हारा नाम चेंज कर दिया काई। अच्छा लगता है तुमने अकल आ गई, बताओ क्या नाम रखा मेरा? बता दूँ क्या? छुछुंदर। देखो मना मत करना, ये नाम बहुत अच्छा है छुछुंदर, तुम पे बहुत सूट करता है, कितनी बदतमीज हो ना। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, अभी बताता हूँ तुम्हें। ताई तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। ओ रियली, क्या तुम मुझे बताओगे मैं किसकी तरह हंसती हूँ? ताई तुम्हें पता है तुम्हारी हंसी किसकी तरह है? 10 सर वाले रावण की तरह। क्या ये कोई जोक था? जो भी था बेकार था, एक नंबर का बेकार सरियल जोक था। गाइस द बंदर लुक लाइक छछंदर। यू मैं तुम्हें छोड़ू मनीता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, चले गाई? हाँ जिमिन चले चलते हैं हम।
गॉड दी, आप आ गई। प्लीज इस छछुंदर को जल्दी मेरे सामने से लेकर जाओ, मेरे सर दर्द हो रहा है। काई, I'm sorry काई, चलो हम चलते हैं यहाँ से। काई और जिमिन वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। जिमिन, कैसा लगा ये रेस्टोरेंट? हाँ काई, अच्छा है। काई और जिमिन अंदर जा रहे होते हैं तभी काई की नज़र युंगी पे पड़ती है। ये तो युंगी है। हाँ, मैंने फॉर्म फिल कर लिया। जिमिन एक सेकंड, मैं अभी आता हूँ। पर कहाँ जा रहे हो काई तुम? फिर काई युंगी के पास जाता है। हे युंगी, व्हाट्सअप, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ काई, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम यहाँ? मैं यहाँ एक फॉर्म फिल करने आया था। वैसे तुम यहाँ? हाँ, वो मैं जिमिन के साथ आया था लंच पे। ओ अच्छी बात है। हे तुम, हमारे साथ लंच क्यों नहीं करते? बहुत मजा आएगा, साथ में करेंगे। नहीं, तुम दोनों लंच करो। युंगी तुम भी ना, चलो। फिर काई युंगी को खींच कर रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। जिमिन देखो, युंगी भी आया है। युंगी, वो काई जबरदस्ती ले आया। फिर वो तीनों बैठते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं। सर, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? मेरे लिए इस होटल की सबसे अच्छी डिश लेकर आना। ओके, मेरे लिए कुछ सिंपल ले आओ, मुझे भी सिंपल ही पसंद है। ओके सर, प्लीज वेट, जब तक आप एक कोल्ड ड्रिंक पियो। फिर वेटर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद काई का फोन रिंग करता है। डैड का कॉल आ रहा है, तुम दोनों जब तक बातें करो, मैं भी आता हूँ। काई वहाँ से रेस्टोरेंट के बाहर चला जाता है। जिमिन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। वैसे तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ जिमिन। वैसे युंगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे पता है जिमिन, काई खींच के ले आया मुझे। वो काई ने जिद की तो मुझे आना पड़ा। आई एम सॉरी जिमिन। युंगी, तुमने काई को मना क्यों नहीं किया? पर कोई बात नहीं। वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे? जिमिन, मैं यहाँ एक फॉर्म फिल करने आया था क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर रहा हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुम मेरी नहीं हो सकती, तब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। इसीलिए मैंने पढ़ाई शुरू की है ताकि मैं तुम्हारे बारे में कम सोचूं। जिमिन, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके जिमिन। तभी वहाँ काई आ जाता है। डैड भी ना बहुत बातें करते हैं। क्या कर रहे थे तुम दोनों वैसे? कुछ नहीं, बस बातें कर रहे थे। चलो लंच करते हैं। ओके चलो करते हैं। जिमिन तुम भी करो। हाँ करती हूँ। फिर ऐसे ही वो तीनों लंच करते हैं। वैसे एक बात पूछूं, तुम दोनों आजकल बात क्यों नहीं करते एक दूसरे से? क्या तुम दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई कर ली है? नहीं काई, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा टाइम नहीं मिलता। थैंक यू मीनू, मेरी इतनी मदद करवाने के लिए। अरे जी होप, थैंक यू मत बोलो, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके वैसे जी होप, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, क्या मैं कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बोलो मीनू। डैड आप यहाँ? हेलो अंकल। बेटा तुम दोनों आ गए? दी आप ये बंदर साथ में लेकर आए हो, इसे जू में छोड़ना चाहिए था। ताए, ये तो अच्छी बात है, जिमिन और काई भी आ गए, अब मैं इनके सामने ही तुमसे बात करता हूँ। कौन सी बात डैड? बेटा मीनू कुछ बताने वाला है, थोड़ी देर यहीं रुको। जी होप, क्यों ना हम काई और जिमिन की एंगेजमेंट करवा दें, क्योंकि अब इन दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जान भी लिया है, तो शादी करवा देनी चाहिए अब हमें इनकी। क्यों, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और मैं अब ज्यादा वेट नहीं कर सकता जिमिन को अपनी बहू बनाने के लिए। डैड, क्या शादी? हाँ बेटा, तुम्हारी और जिमिन की शादी। मीनू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब हमें इनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो तुम एंगेजमेंट कब करवाने वाले हो? क्या हम इन्हीं कुछ दिनों में रख ले? जी होप, 2 दिन बाद रख लेते हैं। ओके मीनू, मैं सारी तैयारी करवा दूंगा। जी होप, अब हमारे सर पे बहुत सारा काम आने वाला है, रिंग सेलेक्ट करनी है, डेकोरेशन देखनी है, बहुत काम करना है। मीनू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो सोच रहा हूँ कल से ही काम शुरू करवा देता हूँ। डैड पर इतनी जल्दी? बेटा तुम्हें जल्दी लग रहा है क्योंकि तुम अभी भी बच्ची हो मेरे लिए, पर बेटा तुम ये सच नहीं बदल सकते कि अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। मैं जानता हूँ बेटा तुम्हें थोड़ी घबराहट हो रही होगी क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी प्यारी सी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ कि वो इतने अच्छे घर में जा रही है और तुम बहुत खुश रहोगी। ओके पर डैड ये थोड़ा जल्दी नहीं है? नो जिमिन, ये बिल्कुल जल्दी नहीं है क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को जान लिया है, तो अब मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। काई बेटा कंट्रोल करो अपने आप को। सॉरी डैड। फाइनली बंदर, आई मीन छछुंदर, तुम्हारी शादी मेरी दीदी से होने वाली है और तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अब तुम मुझे बंदर छछुंदर नहीं बुला पाओगे क्योंकि अब तुम्हें मुझे जीजू बोलना पड़ेगा। जो भी हो, पर मैं तो तुम्हें बंदर ही बुलाऊंगी, तुम चाहे जो भी कहो। क्यों है ना दी, इसके ऊपर बंदर नाम ज्यादा सूट करता है ना?
मैं रूम में जा रही हूँ। फिर जिमिन थोड़ी दूर जाती है और फिर मुड़ के देखती है। डैड डैड कितने खुश है शादी से। मैं तो डैड को चाहकर भी मना नहीं कर सकती। मैं अपने डैड को हर्ट नहीं कर सकती। वो बहुत खुश है शादी से। एंड आई एम सॉरी यूंगी, मैं अपनी फीलिंग समझ गई हूँ, मुझे माफ कर देना यूंगी, पर मैं ये नहीं कर सकती।